States. ठीक है, कुछ लोग आ रहे हैं क्या? वेटिंग रूम में एडमिट हो किसी को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है। आ गए सब लोग, 11 लोग ही आए हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं क्या बोल रहा था कि इससे पहले जो सिग्नल लिए थे वो था हमारे पास कंटिन्यूअस सिग्नल। एक्स ऑफ टी इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल। तो एक्स ऑफ टी कंटिन्यूअस सिग्नल था तो डायरेक्टली हम लोग समेशन कर लिए थे और कोफिशियंट जो सी ऑफ एन था वो एक्स ऑफ टी का कोफिशियंट था और ए एन टी थे वो क्या थे? बेसिस फंक्शन, या फिर उसको बोल सकते हो आप ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शन। ठीक, ये हो गया। नाउ डिस्क्रीट में चलते हैं। डिस्क्रीट में चलेंगे तो u of n मेरे पास सिग्नल था। u of n मैं कोई सा भी रैंडम सिग्नल ले लिया हूं, है ना? We have n number of samples, n number of sample है, so we represent this signal by a vector u. तो मैं उसको represent कर रहा हूं by a vector u, u vector से represent कर रहा हूं, ठीक है? Now क्या करेंगे हम लोग कि summation लेना है, summation लेना है, summation लेना है और at the time of summation basis function से multiply भी करना है। यहाँ पे भी वही किया था, यहाँ पे x of t में भी वही किया था। t of n क्या था? x of t का coefficient था। इसके mic on है वो off कर दीजिए भाई। x of t का coefficient c of n था और a n क्या था? आपका basis function था। a of n क्या था? basis function था। तो क्या हो जाएगा? a of n आपका c of n से multiply हो रहा है, then summation हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? same वही procedure होगा। यहाँ पे c of n की जगह क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे capital small u, small u क्या क्या represent कर रहा है आपके पास? वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर्स, वेक्टर में क्या हो रहा है आपके पास? यू ऑफ एन की वैल्यूज हैं। वेक्टर वन डायमेंशन वेक्टर है और वेक्टर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास? यू ऑफ एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए मल्टीप्लाई विथ यू, ये हो जाएगा। ए क्या है आपके पास? ट्रांसफॉर्म मैट्रिक, या फिर इसको बोल सकते हो ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शन, ऑर्थोगोनल बेसिस मैट्रिक्स और बेसिस फंक्शन, जो भी बोलना है बोल सकते हो, और यूनिटरी मैट्रिक्स, जो भी यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिस फंक्शन। ठीक, ये चीज समझ में आया। डिस्क्रीट डिस्क्रीट सिग्नल में हम लोग क्या किए हैं? x of t की जगह पे u of n ले लिया है और u of n ले लिया है और u of n को रिप्रेजेंट कर लिया है एज अ फॉर्म ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे तो u यहाँ पे आप वेक्टर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं, आंसर भी वेक्टर में आएगा और ए को भी वेक्टर में डिनोट कर सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स को वेक्टर के फॉर्म पे लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये नया जानकारी होगा आप लोग के लिए, नया नहीं मालूम होगा क्योंकि रिसर्च में इसको यूज बहुत करते हैं। मैट्रिक्स को वेक्टर के फॉर्म पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब क्या होने वाला है। देखिए, अभी तक हमने क्या किया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फॉर्म पे लिख लिया था, अभी भी समेशन नहीं हुआ था। अब समेशन करने के लिए क्या करना है हमको? एक समेशन का यूज करना है और उस समेशन को कहाँ से कहाँ तक रेंज करना है? जीरो से लेके एन माइनस वन तक। और देखिए, ये जो मैट्रिक्स है आपके पास ए, ए जो मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स को क्या लिखोगे आप? ए के एन, ए के एन। इसको मैं थोड़ा सा और इलेबरेट करके बता देता हूँ कि कैसे हो रहा है ये। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इलेबरेट कर देता हूँ कि कैसे हो रहा है। अरे इधर इधर ड्रॉ करूंगा तो दिख रहा है क्या आप लोगों को? इस साइड पे अगर मैं कुछ लिखूंगा तो दिखता है ना? ये आपका v वेक्टर है, v जीरो,
बी जीरो, ऐसे 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 करते करते तक ये पूरा लिखा रहा है आपके पास वी एन माइनस वन तक, स्मॉल एन माइनस वन, स्मॉल एन माइनस वन इज इक्वल टू समेशन हो रहा है, समेशन हो रहा है यहाँ पे और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में भी यही काम होता है, सम होता है और मल्टीप्लाई होता है, तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही समेशन है क्या, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? मैट्रिक्स में भी क्या होता है, दो ही काम होता है ना, सी वाले सी एस सी वाले लोग या फिर आई टी वाले लोगों को भी समझ में आ रहा होगा ये चीज कि मैट्रिक्स में क्या होता है, दो ही चीज होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का सी में प्रोग्राम लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, दो चीज के लिए करते हैं उसको, है ना, हर एक एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और उसको एडिशन करते हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। yes, ये वाला जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, यू ऑफ जीरो, यू ऑफ जीरो, ये वाला जो यू ऑफ एन से है ना, यू ऑफ जीरो, क्योंकि वन डायमेंशन सिग्नल है, वन डायमेंशन सिग्नल है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, वन डायमेंशन सिग्नल है तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ यू ऑफ एन माइनस वन तक, एन माइनस वन तक। अब इसके अंदर में क्या एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर में होगा ए, जो k और n की जो वैल्यू है, k और n की वैल्यू है, तो इसमें लिखा है k इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, k इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 और n इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 0 0, इस साइड पे k इंक्रीज हो रहा है और इस तरफ से आपका n इंक्रीज होता जाएगा 0 0 0 0, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, इधर k इंक्रीज हो रहा है और इधर स्मॉल n इंक्रीज होते जाएगा, a 0 0 हो जाएगा पहला पार्ट, अब सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, a 0 1 हो जाएगा, a 0 कॉमा 1, है ना, और लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा इस रो का, a 0 n माइनस 1, a 0 n माइनस 1, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, a और एलिमेंट में लिखेंगे 0 n माइनस 1, n माइनस 1, फिर k का एक वैल्यू इंक्रीज कर दीजिए, सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा a 10 10 और लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, आप ये फिल कर लेना a n माइनस 1, ये मैं एक मैट्रिक्स मेरे पास होगा स्लाइड में मैं दिखा दूंगा ये कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समेशन आपको दे देगा, ये समझ में आया क्या सबको, इसे समझ में आई क्या? किसी को कोई डाउट है इस पे? फिर से बताऊं, समझ में आ गया? पवन कुमार, वरुण राज, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बताइए, बताइए चैट करके, पर्सनली बोल सकते हो कि डाउट है, अगर इसमें आपको लग रहा होगा कि सब लोग देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ूं? ठीक, यहाँ तक ये समझ में आ गया कि ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। नाउ वी ऑफ के क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मुझे यू ऑफ के, यू निकालना है, यू निकालना है तो ऑब्वियसली मैं ए इनवर्स ले लूंगा, क्योंकि ए तो मैट्रिक्स है ही मेरे पास, ए के ए को इनवर्स ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ए इनवर्स क्योंकि ए बेसिस फंक्शन है तो बेसिस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टार ऑफ टी, है ना, ए स्टार ऑफ टी होता है बेसिस फंक्शन की प्रॉपर्टी, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बेसिस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है ये, बिकॉज ए इज अ यूनिटरी फंक्शन और बेसिस फंक्शन, तो क्या हो जाएगा ए स्टार ऑफ टी हो जाएगा, यू इस यू को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। फिर पहले मेरे पास क्या था, वी इज इक्वल टू ए वेक्टर के फॉर्म पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे सब कैपिटल लिख रहा हूँ, वी इज इक्वल टू ए यू। नाउ अब मैं यू लिखना है, यू बनाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी, ये आ जाएगा ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, ए स्टार ऑफ टी, ठीक, ऐसा रिप्रेजेंट हो सकता है। अब ए स्टार ऑफ टी को कैसे आप लिख सकते हैं, जैसे इसको एक्सपांड करोगे, जैसे यहाँ पे हुआ था, इस वाले स्लाइड, इस वाले पे हुआ था, वैसे यहाँ पे भी होगा, है ना, पिछले वाले स्लाइड पे जो हुआ था ना हम लोग, V is equal to AU था, तो उसका एक्सपांशन लिखे थे हम लोग, तो इस तरह से आया था V K is equal to AKN,
तो वैसे ही अगर यहाँ पे u इज इक्वल टू ए इनवर्स v है और ए इनवर्स v को ए स्टार टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका एक्सपांशन कैसे हो जाएगा, इस तरह से समेशन के फॉर्म पे लिख सकते हैं इसको, इस तरह से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना भाई, बताइए किसी को कोई डाउट है इस पे? आगे बढ़ो। ठीक, जो मैं आपको मैट्रिक्स बता रहा था वो ये मैट्रिक्स हो जाएगी, ए के एन की जो मैट्रिक्स मैं बोल रहा था वो ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी। के की वैल्यू यहाँ से जीरो से लेके इस तरफ बढ़ रही है और एन की वैल्यू ऑरिजोंटल में बढ़ रही है और ये वर्टिकल में नीचे जा रही है। ठीक, जीरो जीरो जीरो, ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे ए के एन। तो एक ए कॉम्प्लेक्स के एन इज अ कॉलम वेक्टर ऑफ ए, ये भी वही चीज है, आप इसको ट्रांसपोज कर दोगे, ट्रांसपोज करके आपको कॉम्प्लेक्स ले लेना है सबका, तो क्या हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लेक्स के एन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक ठीक है, दिस कॉलम वेक्टर इज यूजली कॉल्ड एज अ बेसिस फंक्शन ऑफ ए, है ना, ये कॉलम वेक्टर जो आएगा उसको बोलोगे आप बेसिस फंक्शन ऑफ ए। ये चीज समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, समझ में नहीं आया तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था ये मैं बताया, मुझे समझ में आ गया क्या सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज फिर से लिख दिया, u ऑफ n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0, ये a k n b k, यही चीज लिखा हुआ है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ था u ऑफ n, ये वाले पिछली स्लाइड में लिखा हुआ था वही नेक्स्ट स्लाइड में फिर से लिख दिया इसने, कोई बात नहीं। वेयर u ऑफ n इज अ सीरीज समेशन ऑफ बेसिस फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये वन डायमेंशनल सिग्नल की मैं बात किया हूँ, अब मैं टू डायमेंशनल सिग्नल पे जाऊंगा क्योंकि इमेज टू डायमेंशनल सिग्नल होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, क्योंकि फिर टू डायमेंशन में जाऊंगा तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि ये आना चाहिए आपको। सबको आ गया समझ में, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको आ गया? 18 पार्टिसिपेंट्स और सभी को समझ में आ गया? आकांक्षा, नम, सब आपको आ गया समझ में? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये नहीं आया तो फिर से बता दो, मैं फिर से बता देता हूँ, बोल दो आपके नहीं आया है। आ गया तो थम्स अप करो, आगे बढ़ते हैं फिर। पवन कुमार, नहीं नहीं आया पवन आपको? नीलम जी क्या बोल रहे हैं आप, नहीं आया है क्या? पवन कुमार आ गया है, नीलम जी आपको आ गया समझ में? नीलम कुमारी, नहीं आया, ठीक है, कहाँ पे नहीं आया नीलम, कहाँ पर से नहीं आया है? यूनिटरी मैट्रिक्स समझ में आ गया क्या? स्टार्टिंग में यूनिटरी मैट्रिक्स समझ में आया था? यूनिटरी मैट्रिक्स आ गया था, फिर कहाँ से कंटिन्यूअस सिग्नल का आपको समझ में आया क्या था? कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए यूनिटरी मैट्रिक्स आ गया, फिर ये लास्ट वाला नहीं आया। अच्छा, ये लास्ट वाला नहीं आया, ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, अब यहाँ से नहीं आया होगा, ये डिस्क्रीट वाले से नहीं आया होगा, है ना, ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे वन डायमेंशन डिस्क्रीट सीक्वेंस लिया है मैंने, है ना, इससे पहले मैं कंटिन्यूअस सिग्नल पे ले रहा था एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी, और देखो करना क्या है मुझे ना, इस एक्स ऑफ टी को समेशन के फॉर्म पे एक्स ऑफ टी को सम करके और उसको मल्टीप्लाई करना है बेसिस फंक्शन में और सबको ऐड करना है। ठीक है, एक्स ऑफ टी जो सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको मुझे बेसिस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके उसके कोएफिशिएंट को ऐड करना है और रिप्रेजेंट करना है। मतलब कॉम्प्लेक्स हो रहा है थोड़ा सा, आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही चीज को बार बार वो कर रहे हैं, है ना। एन आर्बिट्री सिग्नल एक्स ऑफ टी कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ सीरीज समेशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शन, सीरीज समेशन करना है, है ना। तो वन डायमेंशन सिग्नल अगर मैं लिया हूँ जो डिस्क्रीट में ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कंटिन्यूस में तो नहीं भी आया होगा कई लोग, वी हैव वन डायमेंशन सिग्नल, वन डायमेंशन सिग्नल यू ऑफ एन है, यू ऑफ एन मैंने बताया था, तो एक साइड में वो बढ़ रहा है, वो सारा सैंपल्स आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे सैंपल्स होंगे उसमें, एन नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ वेक्टर के फॉर्म पे, यू इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ यू ऑफ एन। ठीक है,
यू जो है, स्मॉल यू जो है वो वेक्टर फॉर्म है आपका स्मॉल यू ऑफ एन का. तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, बी बी क्या हो रहा है आपके पास, जो मतलब कि हम लोग मल्टीप्लाई आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स आ रही है उसको बोलेंगे हम लोग स्मॉल बी. बी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन करोगे ऑफ ए स्मॉल कैपिटल ए के साथ में, किसका करोगे, यू यू मैट्रिक्स का. तो यू मैट्रिक्स को आप ए के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ऑब्वियसली वो सीरीज समेशन दे देता है. कैसे देता है नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा कि ए मैट्रिक्स को मैं क्या लिख रहा था, ए मैट्रिक्स को हम लोग लिख रहे थे इसके फॉर्म पे. मतलब ये पूरा मैट्रिक्स है, एक हिसाब से ए जो है वो पूरा मैट्रिक्स है. अब ए मैट्रिक्स को यू मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो सीरीज समेशन ही देता है, है ना. ये जो फॉर्म लिखा है, ये जो एक फॉर्मूला टाइप का लिखा हुआ है, वी ऑफ के इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन, तो ये इसका मतलब यही है कि आप जो ए जो मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स कौन सा था, इतना बड़ा जो मैट्रिक्स है उसको आप यू ऑफ एन के साथ, यू मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे. यू मैट्रिक्स क्या था आपके पास, एक कॉलम मैट्रिक्स है, वन कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि वन डायमेंशनल सिग्नल है यू, तो वन डायमेंशनल, तो एन नंबर ऑफ उसमें कंटेंट होंगे, तो एन नंबर ऑफ कंटेंट को हम लोग कॉलम के फॉर्म पे, कॉलम मतलब अप से डाउन ऐसे लिख लेंगे, ठीक है. तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, उसको बोलोगे आप, जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे वी ऑफ के, ठीक है. यहाँ तक आ गया समझ में. अब वी ऑफ के निकल गया है, अब मेरे को अगर इनवर्स निकालना होगा, दैट मीन्स अगर यू फॉर्म फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स बी करना पड़ेगा. सिंपल मैथ है ये तो, है ना. ये एक मतलब ए इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से. अब ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, बिकॉज बेसिस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ टी, इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, ठीक. तो ए ट्रांसपोज ऑफ टी हो जाएगा. ए ट्रांसपोज ऑफ टी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए स्टार ऑफ के एन के फॉर्म में लिख सकते हो आप, है ना. ये भी समझ में आ गया होगा यहाँ तक. नेक्स्ट वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर इतना समझ में आ गया तो आपको समझ सब समझ में आ गया, ठीक है. नीलम जी क्लियर हो गया, ठीक है. हाँ सर, ठीक ठीक है. स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा होगा कि टफ टाइप का है, मगर बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है. अब ये यू ऑफ एन वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है. अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, हम लोग टू डायमेंशनल सिग्नल पे जा रहे हैं, ठीक है. वन डायमेंशनल सिग्नल हो गया है, टू डायमेंशनल सिग्नल पे जा रहे हैं, ठीक. यू ऑफ एन, पहले मेरे पास यू ऑफ एन वन डायमेंशनल सिग्नल था, तो कैसे बढ़ रहा था, एक तरफ बढ़ रहा था. यू ऑफ एन कैसे बढ़ रहा था, एक साइड बढ़ रहा था, है ना. इस तरफ आ रहे थे कुछ सैंपल्स, ऐसे आ रहे थे, इस तरह से आ रहे थे सैंपल्स, कुछ भी सैंपल्स था, रैंडम सैंपल में ले रहा हूँ. हाँ, जो भी बढ़ रहा था इधर ही बढ़ रहा था, कोई यहाँ से आ गया, कोई ऐसे आ गया, कोई इधर आ गया, है ना. तो ये सैंपल्स हैं, ये सारे सैंपल्स हैं. तो ये कहाँ तक जा रहे हैं आपके, एन माइनस वन तक जा रहे हैं, ये अप टू, ये बढ़ते 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 कहाँ तक जा रहा है, एन माइनस वन तक जा रहा है, ठीक. एन माइनस वन तक जा रहा है, ठीक. ये जीरो से स्टार्ट होके एन माइनस, ये तो हो गया वन डायमेंशन की कहानी, है ना. अब अगर टू डायमेंशन में लेना होगा, टू डायमेंशन में लेना होगा, टू डायमेंशन पे कैसे लेंगे इसको, टू डायमेंशन पे लेंगे तो ऑब्वियसली कितने नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे, ये एन माइनस वन तक जा रहा होगा, इधर भी कुछ होगा, इधर भी कुछ सैंपल होगा. अगर इसको सेकेंड डायमेंशन मानो तो इधर भी कुछ सैंपल्स होंगे, है ना, इस तरह से, है ना. ये मान लेते हैं हम लोग जीरो से लेके एम माइनस वन तक जा रहे हैं, सॉरी ये भी एन माइनस वन तक दिया है, ठीक है. ये भी एम माइनस वन तक दिया है, ठीक, एन माइनस वन तक ही दिया है, कैपिटल एन माइनस वन तक दिया है, ठीक है. इसका जो इस साइड जो है वो वेरिएबल है स्मॉल एन, और इस तरफ जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो है स्मॉल एम, ठीक. काउंटिंग के लिए वेरिएबल यूज करेंगे ना, जीरो से लेके आप जैसे बोल रहे यू ऑफ एम एन, तो कौन सा एलिमेंट है ये चेक करने के लिए हम लोग तो वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है. तो राइट साइड में, अप साइड में है जो m है, और हॉरिजॉन्टल साइड में n वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है. तो ये आपका u ऑफ m n सिग्नल इस तरह से कुछ बन रहा होगा, रैंडम सिग्नल है कोई भी सा. नाउ सेम प्रोसीजर फिर से अप्लाई करना है हम लोगों को, सेम प्रोसीजर. वी वी अब क्या हो जाएगा, बिकॉज पिछले वाले में हम लोगों का वी के था, ओनली वी के, देख लीजिए आप लोग, वी के ही आया था केवल v ऑफ k. बट यहाँ पे क्या है, टू डायमेंशन है, तो यहाँ पे एक और डायमेंशन ऐड होगा, और वो क्या होगा आपके पास, वी के एल. ये समझ में आया क्या, वी के एल जीरो से लेके एन माइनस वन तक जाएगा, जीरो से लेके एन माइनस वन तक जाएगा. और इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, समेशन एम कॉमा एन इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन ए के एल एम एन मल्टीप्लाई विथ यू एम एन. यू एम एम एन क्या था हमारे पास, मेरा इमेज था, टू डायमेंशन इमेज था, जो टू डायमेंशन सिग्नल को ही इमेज बोलेंगे. यहाँ लिखा है द कंसेप्ट ऑफ
representing the vector as a series multiplication of a basis vector can be expanded to two-dimensional signal. Two-dimensional signal in brackets image. Two-dimensional signal ही break image होता है. यहाँ तक समझ में आया आपको? U of mn multiply किससे हो जाएगा? Basis function AKL mn से. AKL mn से. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे दो एक एक KL small KL लिख रहे हैं. ठीक है, देखते हैं क्या है स्मॉल के एल मल्टी ब्रैकेट्स एमएन. एमएन तो आपको समझ में आ गया होगा. एमएन जो हो गया वो हो गया आपके पास जो वेक्टर जो हम लोग ये बनाए थे ना मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के एलिमेंट है एमएन. एमएन मैट्रिक्स के अगर 2 1 बोल रहा है तो ये वाला हो जाएगा, तो वो हो गया. बट यहाँ पे स्मॉल के और स्मॉल एल क्या है? स्मॉल के और स्मॉल एल क्या ये कोई अलग चीज है? ये देखते हैं. ये एक्चुअली कोएफिशिएंट है ना, ये कोएफिशिएंट है. Thus we have n square number of unitary matrices. कितने matrix हो जाएंगे? n square number of unitary matrix. क्योंकि k और l है. k और l कहाँ से कहाँ तक vary कर रहे हैं? 0 से लेके n minus 1 तक आ रहे हैं. तो ये हो जाएगा, इसको भी आप vary कराते रहिए 0 1 के लिए, 0 1 0 के लिए. तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, कितने number of unitary matrices लगेंगे हम लोग को ये achieve करने के लिए? n square number of unitary matrices लगेंगे. क्यों? क्योंकि के और एल की भी डायमेंशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी. के एल की भी डायमेंशन लेनी पड़ेगी, तो वो भी एन माइनस वन तक वेरी हो रहा है ना. तो यहाँ पे एन स्क्वायर नंबर ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स लगेगा. और वैसे इसका इन्वर्स ले लेंगे. इन्वर्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा, है ना. कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा तो ये आंसर आ गया. दो इक्वेशन आपको समझ में आ गया तो समझ में आ गया बेस. तो मतलब आपको समझ में आ गया ये पूरा मैट्रिक्स का फॉर्म. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? बताइए मुझे. इस पर इन दोनों में समझ में आया? ये n स्क्वायर कैसे आया, ये समझ में आया सबको? देखिए जैसे v k और l भी आपका वेरी कर रहा है 0 से लेके n माइनस 1 तक, है ना. सपोज करो मैं 0 0 ले रहा हूँ, k इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0. तो एक एलिमेंट हो जाएगा ये पूरा. यहाँ पे पहला बेसिस फंक्शन आएगा a 0 0 a 0 0 m n. m n तो एलिमेंट्स हैं उसके मैट्रिक्स के. m n मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं. u m n है ना. ऐसे 0 0 0 0 करते करते तक कितना तक जाएगा ये पूरा? नेक्स्ट समेशन जो लिखेंगे वो कहाँ तक जाएगा आपके पास? a n n तक जाएगा, n n तक जाएगा. तो टोटल कितने नंबर ऑफ बेसिस फंक्शन बनेंगे यहाँ पे? n स्क्वायर नंबर ऑफ बेसिस फंक्शन बनेंगे. n स्क्वायर नंबर ऑफ बेसिस फंक्शन बनेंगे. ठीक है, इधर ये k बढ़ रहा है, इधर l बढ़ रहा है. इन दोनों में कितने एलिमेंट्स आएंगे? n स्क्वायर एलिमेंट्स आएंगे. समझ में आया ये? आया तो थम्स अप कर दीजिए. समझ में आया ये भाई? दिलीप समझ में आ गया? बाकी को समझ में नहीं आ रहा? पवन कुमार समझ में आ गया? बाकी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? कहीं डाउट है? n स्क्वायर समझ नहीं आया सर. ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार और. देखिए n स्क्वायर कैसे आया होगा, ये समेशन कर रहे हैं हम लोग. ये वाला इक्वेशन तो समझ में आया इसने, आपको समझ में आया ये वाला इक्वेशन? ये इक्वेशन समझ में आया कैसे हो रहा है? m m इज m m n को वेरी कर रहे हैं 0 से लेके कहाँ तक? n माइनस 1 तक. ठीक है, तो एक चीज तो ये वेरी हो रही है और साथ साथ दूसरी चीज क्या वेरी हो रही है? ये भी वेरी हो रही है, ये भी वेरी हो रही है. तो 0 0 0 0 के लिए हो जाएगा, बी 0 0 के लिए क्या हो जाएगा? पहला को ऑप्शन निकलेगा. फिर ऐसे 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 करते तक कितने के लिए निकलेगा? एन एन स्क्वायर नंबर ऑफ के लिए निकलेगा. क्यों निकलेगा एन स्क्वायर के लिए? क्योंकि ये के भी वेरी हो रहा है और एल भी वेरी हो रहा है. आप लोग सी एस वाले समझ में आएगा, के भी वेरी हो रहा है, एल भी वेरी हो रहा है. तो कितने नंबर, कितने टाइम्स वो वेरी हो सकते हैं? एन स्क्वायर टाइम्स वेरी हो सकते हैं, है ना. कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे पूरा 0 0 से लेके n स्क्वायर कॉम्बिनेशन बनेंगे ना. ऑर्डर क्या होगा? k
के भी एन माइनस वन तक वेरी हो रहा है और एल भी एन माइनस वन तक वेरी हो रहा है। अब मुझे के और एल को ऐसे ऐसे लिखना है, के एल को ऐसे करके लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, जीरो वन वन जीरो ऐसे बहुत सारा लिख सकते हो ना, जीरो टू जीरो थ्री, तो ऐसे कितनी टाइम्स लिख सकते हो। पहले तो जीरो के लिए लिख लेना पूरा, जीरो के लिए क्या हो जाएगा, जीरो के लिए कितना हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके जीरो के लिए हो जाएगा, फिर वन के लिए हो जाएगा, फिर एन एन ऐसे करके कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर टाइप के बन जाएंगे। टोटल कितने स्क्वायर आ जाएंगे, कितना आपके पास कोएफिशिएंट आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा, है ना। एक मैट्रिक्स के फॉर्म में समझ लीजिए, आपकी मैट्रिक्स के फॉर्म पे जल्दी समझ में आएगा आपको। जैसे ए जीरो जीरो हो गया यहाँ पे, है ना, वैसे यहाँ पे कहाँ तक जाएगा आपके पास, ए जीरो एन माइनस वन तक जाएगा, है ना, और वैसे यहाँ पे क्या जाएगा, ए ए एन माइनस वन जीरो तक ऐसे करके। तो टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे, एन स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, है ना। तो ये टोटल कितना, स्मॉल ए कितना बनेगा टोटल, हमारे पास एन स्क्वायर आएगा, वही यूनिटरी मैट्रिक्स का ऑर्डर एन स्क्वायर है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगर मैं एन स्क्वायर तक न ले जाके, प्रीवियस वाले में देखते हैं हम लोग, ये यू को मैं अगर एन माइनस वन तक ना ले जाके, देखिए एन माइनस वन तक ले जाऊंगा तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए अगर मैं इसके कुछ टर्म्स को हटा दूं और के इज इक्वल टू जीरो से लेके पी माइनस वन तक ले जाते हैं, पी माइनस वन कोई भी एक आर्बिट्री नंबर है, पी माइनस वन, अगर आपके पास सौ सौ सैंपल्स है तो सोच लो कि मैं सत्तर सैंपल तक ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो सत्तर वो पी माइनस वन वहां तक ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये इस तरह से हो सकता है, है ना। तो ऑब्वियसली U U U cap और U में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ही ना, U MN और U cap में डिफरेंस होगा, बिकॉज हम लोग पूरे सैंपल्स नहीं लिए हैं यहाँ पे, n माइनस वन तक नहीं लिए हैं, n माइनस वन तक लेते तो हो सकता है हो जाता, सेम ही हो जाता, बट यहाँ पे क्या लिखे हैं, p माइनस वन तक और q माइनस वन तक ले जा रहे हैं, है ना, दोनों को अलग अलग वेरी करा रहे हैं, है ना। ये v जो है आपका जो यहाँ पे उसको कैसे वेरी करा रहे हैं, अलग अलग वेरी करा रहे हैं, p माइनस वन तक जा रहा है और n q माइनस वन तक जा रहा है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे हम लोग, कह रहे थे यू एम माइनस एम एन और यू कैप ऑफ एम एन में जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे स्क्वायर एरर, स्क्वायर एरर, क्योंकि इसको स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, ये समझ में आया कि आप लोगों को, ड्यूरिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इफ ऑल द कोएफिशिएंट आर कंसीडर्ड देन अप्रोक्सीमेट रिकंस्ट्रक्शन इमेज विल बी जनरेटेड, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन इफ ऑल द कोएफिशिएंट्स आर कंसीडर्ड, अगर मैं सारा कोएफिशिएंट कंसीडर करूंगा तो क्या हो जाएगा कि इमेज ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोक्सीमेट रिकंस्ट्रक्शन इमेज विल बी जनरेटेड, है ना। तो पूरा कोएफिशिएंट नहीं करके अगर मैं थोड़ा सा कोएफिशिएंट करूं p माइनस वन तक और q माइनस वन तक करें तो अप्रोक्सीमेशन होगा और जो एरर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग स्क्वायर एरर। इसी एरर का, इस एरर का जो ऑर्डर होता है कंप्यूटेशनल ऑर्डर, इसमें n की पावर 4 तक होती है, इस एरर विल बी मिनिमाइज। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग बेसिस फंक्शन के एल एम एन को सेपरेबल करते हैं, अलग अलग बनाते हैं, है ना। वो अलग अलग क्या होता है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सेपरेबल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ तक समझ में आया तो बताइए। नेक्स्ट क्लास में सेपरेबल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सर फिर से बोलिएगा। अच्छा ठीक है, यही वाला स्लाइड ना? जी। देखिए प्रीवियस स्लाइड में क्या था हमारे पास, यू एम एन जो हम लोग निकाले थे, इनवर्स करके जो यू एम एन निकाले थे वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, जीरो से लेके एन माइनस वन तक जा रहा था, जीरो से के और एल का जो रेंज था वो जीरो से लेके एन माइनस वन तक जा रहा था। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारे पॉइंट्स नहीं लेके मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करूं, तो जीरो से लेके सपोज करो मैं पी माइनस वन तक ले लिया और एल जो ले लिया वो क्यू माइनस वन तक ले लिया, ठीक है, सारे पॉइंट्स नहीं लेके मैं थोड़ा कम पॉइंट्स ले लिया, अगर पी और क्यू इज इक्वल टू एन हो जाएगा तो एरर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। पी और क्यू अगर सेम हो जाएगा, एन के एन की जितना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, ये वाला जो मैट्रिक्स, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम हो जाएगा, पी पी और क्यू इज इक्वल टू एन माइनस वन हो जाएंगे, है ना। तो वो मैं थोड़ा कम तक ले रहा हूँ,
एन माइनस, क्यों? क्योंकि मुझे कंप्यूटेशन नहीं करना है ज्यादा, कंप्यूटेशन नहीं करना है, तो उसको थोड़ा सा बस ये जान लीजिए कि ज्यादा कंप्यूटेशन से बचने के लिए मैं उसको पी पी और क्यू तक ले रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि एरर कितना आ रहा है और मुझे एरर को कितना रखना है, मिनिमाइज रखना है, कम से कम एरर होगा तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है? तो ये एरर को मिनिमाइज करने के लिए, ये एरर को, ये समझ में आया आपको, ये एरर को मिनिमाइज, अच्छा ठीक है, एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों को ये बेसिस फंक्शन को सेपरेबल बनाना पड़ेगा। अब वो सेपरेबल क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बस आपको ये समझ में आ गया ना कि ये एरर आ रहा है क्यों, क्योंकि हम लोग पी और क्यू कोएफिशिएंट लिए हैं इंस्टेड ऑफ एन स्क्वायर कोएफिशिएंट लेने से, लेने की वजह, सपोज करो 100-100 है, 100-100 है तो कितना आ जाएगा टोटल कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी हो जाएगी 10^4 हो जाएगी, तो उसी को मैं 100-100 ना लेके मैं 80-80 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी बट एरर आएगा, ठीक है? तो वो एरर क्या हो जाएगा आपके पास, एरर को कम करना है, एरर को कम करने के लिए सेपरेबल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, ठीक है? अब ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बाकी थोड़ा सा एक और इमेज दे रहे हैं, हाँ ये चीज देख लेते हैं कि बेसिस इमेज क्या होता है। देखिए ये जो इमेज दिया हुआ है ना, ये बेसिक, ये डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर बेसिस इमेज जो हम लोग बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, अगर उसको इमेज के फॉर्म पे हम लोग लिखेंगे तो इमेज और उसका डीएफटी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इस तरह से दिखेगा, बस यही था मेरे पास। डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो ऐसे दिखेगा, वॉल्ट्ज ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो ऐसे दिखेगा, बेसिक इमेज का, बेसिस इमेज का हेड मैट ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है? यहाँ तक रखते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा देखेंगे इसको कि कैसे ये दिख रहा है, क्यों दिख रहा है ना, क्योंकि इमेज जो रहता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग निकालेंगे, तो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से ही दिखता है। और भी होगा मेरे पास इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हाँ जैसे ये है ना आपके पास, जैसे ये इमेज है एक, हाँ ये इमेज दिया हुआ है, अब इमेज का जो आप ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट होगा वो नीचे दिया हुआ है, देखिए किस तरह से दिख रहा है ना, तो ये दिख रहा है आपको, जैसे ये इस तरह से दिया हुआ है, वॉल्ट्ज ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट है ये, ये जो नीचे नीचे वाला पार्ट दिया ना, नीचे लास्ट वाला फिगर नीचे वाला, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो फिगर है, जैसे ये कौन सा हेडमर्ट ट्रांसफॉर्मेशन का एक रिजल्ट है ये, ठीक है? ये दो रिजल्ट है इसमें, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है, नीचे वाला ज्यादा कन्वीनियंट है, ऊपर वाला नहीं समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे है, ठीक है? तो यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट सर, गुड नाइट, जय श्री राम।